हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बुश्ती और ब्रेन विद धीरज शुक्ला। दोस्तों आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ बेहद ही इंटरेस्टिंग क्लास, बड़ा ही मजेदार क्लास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। जैसा आप जानते हैं कि हमारे प्रेजेंट टाइम में 118 एलिमेंट्स है और उन्हें कॉन्फ़िगरेट करना, उनका बैलेंस ही निकालना, उनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन पता करना कहीं ना कहीं हमारे लिए बेहद जरूरी होता है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू आफ बाहू, यानी आफ बाहू का नियम क्या था, इसे किसने बनाया, किस ईयर में बनाया और हम कैसे इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर पाते हैं। तो निश्चित ही बेहद जरूरी क्लास है आप सबके लिए। तो पहले हम जानते हैं कि इसे बनाया किसने। तो इसे बनाया है नील बोर ने, और कब बनाया, 1920 में बनाया, जिससे कि हम किसी भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता कर पाए और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद उनकी बैलेंसी और उनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन को पता कर पाए। तो आइए हम चलते हैं किस तरह से आबाहू ने, किस तरह से नील बोर ने आबाहू कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स, आबाहू ने क्या किया। आबाहू ने अपने कॉन्फ़िगरेशन में बनाए चार शेल SPDF। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर मॉडर्न पीरियड टेबल देखिएगा तो वहां भी चार ब्लॉक होते हैं SPD और नीचे अलग से होता है F ब्लॉक। ठीक वैसे ही इन्होंने चार शेल रखे SPDF, S फॉर शॉर्ट, P फॉर प्रिंसिपल, D फॉर डिफ्यूजन, F फॉर फंडामेंटल। और S का जो एनर्जी लेवल की क्षमता है वो कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन की, P के पास 6 इलेक्ट्रॉन की, D के पास 10 इलेक्ट्रॉन की और F के पास 14 इलेक्ट्रॉन की। तो आबाहू ने क्या किया, इन्होंने क्या किया, नील बोर ने आबाहू की इस कॉन्फ़िगरेशन में क्या किया, इन्होंने क्या किया कि एलिमेंट्स को इन चार ब्लॉक SPDF चार शेल में बांटना शुरू किया। जैसा कि आप जानते हैं कि S की कैपेसिटी 2, P की 6, D की 10 और F की 14। तो आइए हम देखते हैं कि इनके इनको जानने के बाद हम एक ऐसा डायग्राम पढ़ेंगे, एक ऐसा चार्ट पढ़ेंगे जिसका यूज करके हम सारे एलिमेंट्स को इजिली कॉन्फ़िगर करते चले जाएंगे। तो दोस्तों करना क्या होता है, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हमें थोड़ा सा ये ध्यान देना होगा, ये चार्ट जिसको बनाना बेहद आसान है। आप करिएगा क्या, 1s2 से लेकर के 8s2 तक ऐसे आप लिख लीजिएगा, फिर आप करिएगा 2p 3p 4p 5p 6p 7p 6 तक आप लिख लीजिएगा, फिर आइएगा डी में 3d10 4d10 5d10 6d10, फिर आइएगा एफ में 4f14 5f14। लिख लेंगे आप, बहुत आसान है, कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ नंबर से लिखना है आपको 1 से 8 तक। आप जानते हैं एस के पास 2 है तो 2 2 2, फिर उसके बाद 2p से स्टार्ट करिएगा, 7p तक लिखिएगा, p की जो है क्षमता कितनी है 666, फिर आइएगा d की तरफ 3d 4d 5d 6d और इनकी क्षमता है 10 10 10, फिर आएगा f की तरफ 4f 5 पर जिनकी क्षमता है 14। अब करिएगा क्या, जब आप इनको लिख लीजिएगा तो आप ध्यान से देखिएगा करना क्या है आपको, आपको कुछ यू इस तरह से एरो बना लेते हैं। ठीक है, आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, आप बिल्कुल एकदम अच्छे से समझ पाइएगा, आप एक लास्ट से ऐसे एरो बनाते चले जाएंगे, इसे आपको समझाना बेहद आसान है, मैं समझा दूंगा, आप ध्यान से हमारी स्क्रीन पर देखते रहिएगा। जैसा कि जब आपने एरो बना रखा है तो करना क्या पड़ेगा आपको, हमने क्या किया ऐसे पेयरिंग कर ली, तो आप देखिए कि पहले पेयर में सिर्फ एक एलिमेंट है, दूसरे में भी एक है, तीसरे में 2 आ जाते हैं और चौथे में भी आपके 2 आ जाते हैं, और अगर पांचवे में देखिएगा तो 1 2 3, छठे में भी देखिएगा तो 3, यानी इन सब में 3 और 3 होंगे। और वही बात करें सातवें की तो इनमें आपके हो जाएंगे 1 2 3 4, और अगर बात करें लास्ट वाले की तो इसमें भी आपका हो जाएगा 4। यानी आपको समझना क्या है कि पहले 2 पेयर ऐसे जिनमें 1 1 एलिमेंट, दूसरे में ऐसे जिनमें 2 2, तीसरे में 3 3 और चौथे में 4 4। अब करते क्या है, ऐसा करने के बाद आप ध्यान दीजिएगा कि आप पहले लिखिएगा 1s2, उसके बाद आप जाइएगा लास्ट में, फिर आइएगा 2s2 की तरफ, फिर जाइएगा लास्ट में 2p6, फिर आइएगा 3s2, फिर जाइएगा लास्ट में 3p6 4s2, फिर जाइएगा ऐसे लास्ट में 3d10 4p6 5s2, फिर आपको जाना है यूं ही लास्ट में 4d10 5p6 6s2, फिर आपको जाना है यूं ही लास्ट में 4f14 5d10 6p6 7s2, फिर आप जाइएगा ऐसे लास्ट में 5f14 6d10 7p6 8s2। तो करना क्या है आपको, आपको लिख लेना है, लिखने के बाद पेयरिंग बना लेनी है, लास्ट से लास्ट से लास्ट से बनाने के बाद आप लिखिएगा, फिर इसको लिखिएगा, फिर आइएगा लास्ट में लिखिएगा, फिर आइएगा लास्ट में, फिर यहां, फिर लास्ट से यहां,
फिर लास्ट से यहां, बार बार आप अंत से होके स्टार्टिंग की तरफ आएंगे, क्योंकि आप देखिएगा कि एरो ऐसे ही बना है, यानी आपको ऐसे ही आना है, आपको लास्ट से पहले की तरफ आना है। तो आप पूरी तरह से ये डायग्राम समझ गए होंगे, इस फिगर को समझ गए होंगे, किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। करना क्या था आपको, आपको 1 से 8 एस में लिख लेना था, 2 से 7 लिखना था पी में, और 3 से लिखना था 6 आपको डी में, और 4 से लिखना था 5 तक आपको एफ में। लिखने के बबाद आपको करना क्या है, पहले 2 ऐसे एरो बनाने, फिर लास्ट से आके ऐसे, फिर लास्ट से आके ऐसे, फिर लास्ट से आके ऐसे, बार बार आपको लास्ट से होके पहले की तरफ आना है। आई होप आपको ये डायग्राम समझ में आ गया होगा, बिल्कुल मजा आया होगा। तो अगर आप ये डायग्राम समझ गए होंगे तो आपको कॉन्फिगरेट करना बेहद आसान हो जाता है। आइए मैं कुछ एग्जांपल्स कराता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे कि कैसे करके 4 शेल एसपीडीएफ, एस में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14, और कैसे ये डायग्राम बनाना है बेहद आसान तरीके से जो मैंने बना रखा है। 1 to 8 लिखना है, फिर 2 से 7 एक ऊपर से कम करिएगा, एक नीचे से कम करिएगा, लिख लीजिएगा, फिर यहां भी एक ऊपर से कम, एक नीचे से कम लिख लीजिएगा, फिर यहां भी एक ऊपर से कम, एक नीचे से कम आप लिख लीजिएगा। अच्छा लगा ट्रिक। फिर आप करिएगा क्या, लास्ट से स्टार्टिंग, लास्ट से स्टार्टिंग, लास्ट से स्टार्टिंग, ऐसे करते करते आप पूरा डायग्राम बना लीजिएगा। तो आपको निश्चित ही समझ में आया होगा डायग्राम। अगर आपको आ गया तो आपको कॉन्फिगरेशन करने से कोई नहीं रोक सकता, आपको कॉन्फिगरेशन निश्चित ही बेहद आसान लगेगा और बहुत ज्यादा मजा आने वाला है आपको कॉन्फिगरेशन करने में हमारे। तो जैसा कि माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में डिफिनेशन लिख रखा था कि इनके इंतजार क्या था, इनके अकॉर्डिंग क्या था, कि जब तक एलिमेंट्स लोअर लेवल को फिल नहीं करेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा, यानी जब तक वो लोअर लेवल को फिल नहीं करेगा अगले ऑर्बिट में प्रवेश नहीं करेगा। आप जानते हैं कि अबाऊ एक जर्मन वर्ड से, अबाऊ का मतलब ये होता है लोगों को संयोग करना, जोड़ना, यानी कि बिल्ड करना। तो बिल्ड कब करिएगा आप, जब पहले वाले शेल पूरे हो जाएंगे तब आप आगे बढ़ेंगे। तो जैसे मैं एग्जांपल कराता हूं सोडियम Na11 का, तो Na11 आप जानते हैं क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, 1s2, तो हम लिख देंगे 1s2। आप जानते हैं कि 1s2 से हमें बड़ा ही लेना होगा, तो आप ले सकते हैं 1s2 के बाद। फिर से नंबर आता है, अगर आप रिवर्स जाएंगे तो सिर्फ एकमात्र 2s2 का। उसके बाद अगर आप फिर से एक बार यहां आ जाते हैं, फिर से आप रिवर्स जाते हैं, तो नंबर आता है 2p6 का, तो 2p6 आप रख देंगे। फिर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो 6 to 8 to 10 हो गया। अब बचा क्या आपका, सिर्फ 1 बचा और नंबर किसका है, 3s2 का, तो हम यहां रख देंगे 3s1, यानी कॉन्फिगरेशन हो गया 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। इस तरह से हम कॉन्फिगरेट करते हुए चले जाएंगे। अगर आप देखिएगा इनको ऐड करिएगा तो s2, 2, 4, 6, 4, 10 and 1, 11। यस, आप जानते हैं 2 होता है, p में 6 होता है, S में 2 होता है, बट उतना हमारे पास है नहीं संख्या, तो हम यहां 1 पे रुक जाएंगे। हमारा ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ सोडियम। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि हमने कुछ ज्यादा स्पेशल नहीं किया है, हमने किया क्या है, चार्ट का यूज किया है। पहले में 1s2, दूसरे में 2s2 है, उसके बाद हम लास्ट में आएंगे 2p6, 3s2, फिर लास्ट में आएंगे 3p6, 4s2, ऐसे ऐसे करके हम लास्ट से फर्स्ट की ओर, लास्ट से फर्स्ट की ओर आते चले जाते हैं। फिलहाल हमारा ये काम इतने में हो जाता है, हमारा आंसर यहाँ पे आ जाता है। आइए हम आपको और बेहतर समझाने के लिए एक एग्जांपल और लेते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा अगला एग्जांपल है Zn30 जिंक, जो आप जानते हैं जिंक जो हमारा 30 एलिमेंट्स है, 30 नंबर का एटॉमिक नंबर इसका 30 है। आइए इनका कॉन्फिगरेशन करते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं 1s2, तो हम रख देंगे 1s2, देन आफ्टर 2s2 हम रख देंगे 2s2, फिर हम आ जाएंगे लास्ट में 2p6, और 2p6 के बाद फिर इस लाइन के फर्स्ट में आएंगे 3s2, फिर हम जाएंगे लास्ट में 3p6, फिर हम आएंगे यहां 4s2 पर, देन फिर हम जाएंगे लास्ट में 3d10। आइए इनको एक बार ऐड कर लेते हैं, 2 to 4, 6, 10 to 12, 6, 18 to 20, 10, 30, यानी 30 हमारे ये कंप्लीट हो जाते हैं और ये हो जाता है हमारा आंसर। समझ में आया कि नहीं आपको, बिल्कुल आया होगा। अगर नहीं आता, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपनी प्रॉब्लम को हमसे शेयर कर सकते हैं, जिससे कि हम आपके सोल्यूशन को बहुत जल्द आपके इस चैनल पर करा पाए। और
एक बार और मैं आपको एक और एग्जांपल लेकर के और भी बेहतर तरीके से समझाता हूँ, थोड़ा बड़ा एग्जांपल लेता हूँ जहां आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक मैं बड़ा एग्जांपल लेकर के आपको समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों आइए हम एग्जांपल लेते हैं मरकरी एचजी, जिसका एटॉमिक नंबर है 80, एक बड़ा एटॉमिक नंबर जिसे करने में शायद आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप ध्यान से मेरे साथ देखिएगा, बिल्कुल इस डायग्राम को फॉलो करिएगा। और ये डायग्राम बनाना बेहद आसान है, कुछ भी नहीं करना है, 1 to 8 लिखना है, 1 एस के साथ, फिर आप जानिएगा ऊपर और नीचे से कम करके पी के साथ लिख लीजिएगा, फिर वैसे ही ऊपर नीचे से कम करके डी के साथ, फिर वैसे ही ऊपर नीचे कम करके एफ के साथ आप लिख लीजिएगा। और जानते हैं आप लास्ट से ऐसे एरो बनाएंगे, तो पहले दो में एक एक नंबर है, दूसरे और तीसरे और चौथे में दो दो है, पांचवें और छठवें में तीन तीन है, और सातवें आठवें में चार चार ब्लॉक्स आपको मिलेंगे जिनमें आप एलिमेंट्स को अरेंज करते हुए आगे बढ़ेंगे। आइए बढ़ते हैं एचजी एचजी के लिए, 1s2 2s2, फिर लास्ट में जाएंगे हम 2p6 3s2, फिर हम जाएंगे 3p6, फिर हम आएंगे आपका 4s2, फिर जाएंगे लास्ट में देखिएगा यहां पे 3d10, उसके बाद 4p6, फिर हम आ जाएंगे 5s2 पे, फिर हम यहां आने के बाद फिर जाएंगे लास्ट में हो जाएगा 4d10, फिर उसके बाद 5p6, देन 6s2। अब हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं, देखते हैं हम कहां तक पहुंचे हैं। 2 2 4 10 12 6 18 20 10 30 36 2 38 10 48 48 6 कितना होता है 54 और 2 56 56, यानी अगर यहां तक 56 है तो मुझे और आगे बढ़ना पड़ेगा, तो हम यहां आएंगे 4f 14, तो हो जाएगा 4f 14, यानी अब हमारा जो हो जाएगा संख्या कितनी हो जाएगी, आपने ऐड कर रखा था 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 36 38 48 48 6 कितना हो गया 54 54 2 6 56 और 14, यानी कि 70 हो गया, यानी कि 10 मुझे और रखना है। तो 4f 14 के बाद नंबर भी आता है 5d10 का, हम यहां रख देंगे 5d10, और हमारा यहां पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एचजी मरकरी फिनिश। निश्चित आपको समझ में आया होगा, मजा आया होगा, आसानी से आप इसे कर पाए होंगे। आई होप आपको इस छोटी सी क्लास से बेहद मजा आया होगा, आप बाहू का ये कॉन्फ़िगरेशन आप समझ पाए होंगे। तो और भी किसी भी क्वेरीज के लिए, किसी भी डाउट्स के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम निश्चित ही आपके लिए एक बेहतर सोल्यूशन लाएंगे और आपको पूरा कराएंगे। आप हमारे चैनल बूस्ट योर ब्रेन पे बिल्कुल लाइव बने रहे, चैनल का सारी क्लासेस का आनंद लेते रहे, अपने चाहने वाले को बताते रहे, और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। आप सबका बहुत बहुत